यहाँ पर एक पार्टिकल है जिसका मास है 100 ग्राम, इज अटैच्ड विथ 4 आइडेंटिकल स्प्रिंग्स। ठीक है, एक पार्टिकल है यहाँ पर, बीच में देखो एक पार्टिकल लगा हुआ है, ये 4 स्प्रिंग्स से अटैच्ड है चारों तरफ, और हर स्प्रिंग का जो लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर का है। इनिशियल टेंशन इन स्प्रिंग इज 25 न्यूटन। ठीक है, तो 25 न्यूटन का जो फोर्स है यहाँ पर लग रहा है, नेग्लेक्टिंग ग्रेविटी, ग्रेविटी आपको यहाँ नहीं लेना है। कैलकुलेट एंगुलर फ्रिक्वेंसी ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन ऑफ द पार्टिकल अलोंग अ लाइन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द फिगर। तो देखो इसको, ये जो प्लेन है पूरा आपका, ये जो प्लेन है ना, इस प्लेन के परपेंडिकुलर डिस्प्लेस करना है इस पार्टिकल को। तो सपोज इसे आगे खींचते हैं, है ना, तो आगे खींचने पर जितना भी चारों स्प्रिंग है वो बराबर मात्रा में डिस्प्लेस होगा। तो अगर उसकी साइड व्यू देखी जाए, तो साइड व्यू मतलब कि साइड से जा करके देखो, तो दो स्प्रिंग आपको दिखाई देगा कुछ डिस्प्लेस करता हुआ, है ना। कैसा डिस्प्लेस होगा, तो मान लो कि ये स्ट्रेट था, ये इस तरह से, ऐसा मत सोचना कि इसको नीचे लाया गया है या फिर ऊपर लाया गया या फिर इधर लाया गया, इधर नहीं, इसको प्लेन के परपेंडिकुलर डिस्प्लेस करना है ना। प्लेन में डिस्प्लेस नहीं करना है, प्लेन के परपेंडिकुलर डिस्प्लेस करना है। तो अगर प्लेन के परपेंडिकुलर डिस्प्लेस करना है, तो इसका ये मतलब हुआ कि उसको हम लोग जो है बाहर आगे निकालेंगे या फिर पीछे धक्का देंगे, ठीक है ना, ऊपर नीचे दाएं बाएं नहीं करेंगे। तो ये मान लो कि एक्स हमने इसे निकाला इसके प्लेन से बाहर, ठीक है, तो ये जो फोर्स है इसमें बढ़ जाएगा, मान लो कि एफ नॉट में कुछ बढ़ गया, और हमने सपोज करो कि थीटा एंगल से डिस्प्लेस किया है, तो इसका जो फोर्स का जो कंपोनेंट आएगा इस तरफ आ जाएगा, वो आ जाएगा एफ नॉट साइन थीटा, है ना। तो ये जो एफ नॉट साइन थीटा है, यही तो है जो कि उसे रिस्टोर करना चाहेगा, और ये 4 स्प्रिंग के लिए लगेगा। तो कहने का मतलब हो गया कि एफ रिस्टोरिंग जो है वो 4 स्प्रिंग के लिए लगेगा, तो 4F sin थीटा रहेगा। ओके, तो 4F sin थीटा टोटल 4 स्प्रिंग के लिए इस तरह से सिमेट्री से आ जाएगा, ये नेट रिस्टोरिंग फोर्स हो जाएगा। अभी चूंकि थीटा बहुत ही कम है, तो ये थीटा जो कम है, ये एक्चुअल में आपका साइन थीटा जो है, यहाँ पर थीटा की वैल्यू आप एक्स अपॉन, ये लेंथ मान लो एल है, तो एक्स अपॉन एल भी आप इसको लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है। अब रीस्टोरिंग फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन इक्वल्स टू माइनस ऑफ 4F0x/L। सो यहाँ से एक्सेलरेशन आ जाएगा -4F0/mL × x। ओके, इतना आपका एक्सेलरेटिंग फोर्स आएगा रीस्टोरिंग फोर्स से हमने एक्सेलरेशन निकाल लिया, मीन्स ओमेगा आ जाएगा √4F0/mL, है ना। तो टाइम पीरियड हो जाएगा 2π/ω। हमें यहाँ पर क्या निकालना है, एंगुलर फ्रिक्वेंसी निकालना है। तो एंगुलर फ्रिक्वेंसी आपको अगर निकालना है, तो सिंपली आप लिख दोगे F=1/2π × ω, दैट इज इक्वल्स टू 4F0/mL। अब सारे वैल्यूज आपको रखने हैं, है ना, तो 1/2π × 4F0। 4F0 मतलब कि 4F0 कितना है, 25 / मास हमारा है 100, मीन्स 0.1 kg 100 ग्राम में था, और लेंथ है 0.1 मीटर। तो ये आ जाएगा 1/2π। ओके, अच्छा एंगुलर फ्रिक्वेंसी निकालना है, दैट मीन्स कि आपको ओमेगा ही निकालना है, तो ये 1/2π का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। सो इसका रूट लेंगे तो 4 × 25, 0.1 के बदले ऊपर में 100, आपको केवल इसकी वैल्यू चाहिए, आपको केवल इसकी वैल्यू चाहिए। तो सिंपली आपका यहाँ पर दिख जाएगा 2 × 5 × 10। सो ये आ जाएगा 100 रेडियन पर सेकेंड, 100 रेडियन पर सेकेंड। ओके, 100 रेडियन पर सेकेंड यहाँ पर एंगुलर फ्रिक्वेंसी हो जाएगा। ठीक है,